Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसका जो डेट है वो कहीं ना कहीं सामने आ गया है, लेकिन अभी भी एक बात सामने नहीं आई है कि क्या एनडीए अलायंस एक साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगा या फिर महागठबंधन से जिस तरीके से राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं उसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार महागठबंधन में कौन कौन शामिल होगा। क्या महागठबंधन के साथ कांग्रेस होगी, सीपीआई सीपीएमएल होगी या फिर वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी टिकट बंटवारा भी नहीं हुआ है, नॉमिनेशन का डेट भी आ चुका है, शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई राजनीतिक दल ये ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं कि उनके जो दल हैं आखिरकार कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है एक नाम की, वो नाम है तेजस्वी यादव का, क्योंकि एनडीए ऑलरेडी जो है नीतीश कुमार को सीएम का फेस मान चुका है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानकर ही पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। और अभी भी नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के एक बड़े चेहरा के तौर पर हैं। भले ही हम बात करें चिराग पासवान की, उनको बायकॉट करना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार के चेहरे को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिहार में ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ सकें, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए लेकिन एनडीए का जो चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। भले ही चुनाव के बाद वो बीजेपी बदल दे अलग बात है, लेकिन अभी उन्हीं के सीएम फेस पर ये बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चा में है वो है लालू के छोटका लाल तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव महुआ के विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिसके साथ साथ उनके पास तीन बड़े बड़े मंत्रालय भी थे। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक युवा हैं और एक अच्छी सोच के साथ बिहार के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने। और वो ये नहीं खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे महागठबंधन अलायंस के मुख्यमंत्री होंगे। इसका सबूत जो है आप लोगों के सामने आ गया होगा, जिस तरीके से जीताराम मांझी ने महागठबंधन को साइड कर दिया और जाकर नीतीश कुमार के पार्टी यानी कि एनडीए में शामिल हो गए। और कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जीताराम मांझी जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सीएम फेस महागठबंधन अलायंस में मानने को तैयार नहीं थे। वहीं अगर हम बात करें तो 3-4 दिन पहले जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने भी गठबंधन से अलग कर लिया और जाकर बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी बीएसपी से अलायंस कर लिया, और वो भी नहीं तैयार थे कि वहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो सीएम का चेहरा बने। वैसे ही अगर हम बात करें कांग्रेस की, भले ही कांग्रेस ये सारी बातें खुलकर ना बोल रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचने की कोशिश करती है कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा ना बने। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ पीछे हैं, तेजस्वी यादव जो इस प्रकार की मानसिकता रखकर उनके पार्टी में रह रहा है उनको पार्टी लाइन से अलग करते नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जीताराम मांझी चले गए, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि वापस आ जाओ, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी छोड़कर चले गए तो उनको लेकर एक बयान भी तेजस्वी यादव ने नहीं दिया, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए तेजस्वी यादव एक स्ट्रांग चेहरा है, विपक्ष के बड़े चेहरा है, और जो बिहार में विधानसभा के चुनाव की लड़ाई जो होगी वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा। अगर एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार हैं तो महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। और इसको लेकर उनके जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस भी इस पर एग्री हो गई है। वहीं वीआईपी की बात करें यानी कि मुकेश सहनी की, तो वो भी रेडी हो गए हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन इसके अलावा एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो नाम है जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बारे में। कन्हैया कुमार आप सभी को पता है कि एक युवा नेता हैं, काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं, और जिस तरीके से लगातार जो है पक्ष के ऊपर, सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर सवाल करते हैं और एक पीछे भी उस सवाल से नहीं हटते हैं, जिसको लेकर एक बड़े चेहरा के नाम पर बिहार में उनको जाना जाता है और पूरे देश की राजनीति में कन्हैया कुमार जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन उनका जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी के साथ है, यानी कि महागठबंधन के साथ है। और इसके सवाल को लेकर जब कन्हैया कुमार से पूछा गया कि क्या आप
तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार ने इस पर खुलकर नहीं बोला, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने घुमाकर तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही और उन्होंने ये कहा कि जब हमारे बिहार में एक बड़ा दल है तो उस बड़ा दल का ही कोई भी नेता बड़ा चेहरा होता है। अगर हमारी पार्टी उनके साथ अलायंस कर रही है, महागठबंधन के साथ जुड़ रही है, तो हमारी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती है कि उस पार्टी का अगर सारे लोग एक को चेहरा मान रहे हैं तो उस पार्टी को, हमारी पार्टी अगर एक्सेप्ट करती है, उस चेहरे को एक्सेप्ट करती है, तभी वो पार्टी जाकर उसके साथ अलायंस कर रही है। मतलब ये हुआ कि खुलकर तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी फैसला ली है उसको वो स्वीकार करने को तैयार हैं। मतलब ये हुआ कि कन्हैया कुमार भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे और महागठबंधन का एक बड़ा चेहरा होंगे। उन्होंने ये भी बात कही कि जब कई सारी पार्टियां मिलकर बनती है तो सभी पार्टियों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जिसके तहत ही कोई नेता तैयार होता है कि वो पार्टी किसको सीएम बनाती है, और उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे की जो चीज़ें होती है, आगे के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, आगे के जो विचार होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, वो कहीं ना कहीं उस पर सारे नेता एग्री होते हैं, तभी जाकर इस प्रकार की चीज़ें होती है। और जो वहाँ का राजनीतिक का जो बड़ा दल होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सीएम फेस के तौर पर जाता है, जिसको लेकर अब जो है ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये कह दिए कि उनकी पार्टी जिसको समर्थन करती है, अगर वो पार्टी किसी को नेता मानती है तो हमें भी एक्सेप्ट है, स्वीकार है कि हम भी उसको सीएम कैंडिडेट के तौर पर माने। लेकिन कई सारे सवाल आ रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि तेजस्वी जो हैं वो तेजस्वी नहीं बल्कि फेलस्वी हैं क्योंकि नवीन फेल हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने एक युवा अवस्था में आक्रामकता के साथ जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए अलायंस डरी हुई है, जिसको लेकर कई सारी गतिविधियां आप एनडीए अलायंस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे छोटे बेटे हैं, भले ही लालू यादव पर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उन सारे आरोपों को माफी मांगते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में एक अलग सक्रियता दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एनडीए अलायंस को भी डर है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस बिंदु को लेकर, जिस बिंदु को प्रकाशित कर रहे हैं और बिहार में जिस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करती है बिहार की युवा, बिहार के वोटर, तो हो सकता है कि वहां पर एनडीए की सरकार जो है बहुमत में ना आए और वहां पर तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की सरकार बन जाए। और इसको लेकर जो इनके साथ नेता है वो कहीं ना कहीं तैयार हो गए हैं। सीट बंटवारा का भी मामला अब लगभग कंफर्म हो गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में किस रणनीति के साथ कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव प्रचार के लिए जाते हैं, ताकि बिहार की जो मतदाता है युवाओं की, वो लगभग 20 लाख के करीब है, तो उसको किस तरीके से आकर्षित करती है, और उसी को बायकॉट करने के लिए, उसी को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दाव खेला है। और तेजस्वी सूर्या को, जो कि बेंगलोर के सांसद हैं, बीजेपी के एक युवा चेहरे हैं, उनको वहां पर भेज दिया गया है ताकि उनका कटाक्ष खोज लिया जाए और वहां पर युवाओं को अपने तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की तरफ आकर्षित कर पाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में 10 तारीख को आखिरकार किसकी सरकार बनती है, क्या एनडीए फिर से अपना परचम लहरा पाता है, नीतीश कुमार फिर से उस कुर्सी को स्वीकार करते हैं, या फिर उनकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल हो जाए और वहां पर महागठबंधन की सरकार बनती है। अगर आप भी बिहार से हैं तो आप अपना ओपिनियन जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार किसका पलड़ा भारी है, एनडीए अलायंस है या फिर महागठबंधन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।